गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान हूँ, जो आज आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली ये अपने एब्रोगेशन ऑफ 370, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। तो वो ये हुआ है कि जम्मू के लोगों ने पहली बार शायद पिछले 7 दशकों में दिखाया है कि वो कोई इकट्ठे हो सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। और कल, जैसे आप सबको पता है, 23 सितंबर है, जो महाराजा हरि सिंह, जो हमारे रियासत के आखिरी रूलर थे, उनका जन्म दिवस है। और पिछले कोई कई सालों से ये मांग उठती चली आ रही थी कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, परंतु जो जम्मू कश्मीर की रियासत की जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो शायद इस बारे में फेवर में नहीं थी। तो इस बार जो एक एजिटेशन चली जम्मू में, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि फाइनली कल छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, जो जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत ही सेलिब्रेशन की बात है। और ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि इसलिए नहीं कि किसी महाराजा के जन्मदिन की छुट्टी हो रही है और आपको आपके काम से छुट्टी मिलेगी। ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि वो जो महाराजा एक बहुत ही लो पुरुष थे, एक बहुत ही ज्ञानी इंटेलेक्चुअल थे, एक बहुत ही जस्टिस, शांति प्रिय और न्याय प्रिय व्यक्ति थे, उनको तो जस्टिस मिलना चाहिए था जिंदगी में, वो नहीं मिला। उनकी छवि बिगाड़ दी गई, जानबूझ के वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा उनकी छवि बिगाड़ दी गई। तो आज मैं कोशिश करूंगा उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या के ऊपर आप लोगों से कुछ उनके जीवन के बारे में कुछ मुख्य तथ्य आपके सामने रखूं, जो जानबूझ के छिपाए गए, चाहे वो छिपाने वाले ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी करने वाले थे, या वो छिपाने वाले नेहरू अब्दुल्ला कॉन्स्पिरेसी थी, उनको हटाना था, या जो भी नेहरू जी का जो भी पर्पस था यूनाइटेड नेशंस में यहाँ, और यहाँ फिर इवन मोहम्मद अली जिना, यानी कि जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट थी, वो नाराज थी कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं मिले। तो उन्होंने अपने उनको मिलाइन करने की पूरी कोशिश की, और इसमें बहुत सारे नैरेटिव्स बने, और वो नैरेटिव बनते बनते इतनी बार लगे, ऐसा लगा कि वो सारे नैरेटिव्स सच हैं, क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी थे, जब उन्होंने आर्टिकल लिखे, लेख लिखे, किताबें लिखी, तो उन्होंने उन नैरेटिव्स को कोट करना शुरू कर दिया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी दुनिया ने ये मानना शुरू कर दिया कि महाराजा एक बहुत ही अय्याश आदमी था, एक बहुत ही अपने खेलों में प्रति समर्पित रहता था, प्रजा की उसको कोई चिंता नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा की एक जीवनी बताऊंगा थोड़ा सा संक्षिप्त में, और उसके बाद कुछ एक्चुअल इंसिडेंट्स कवर करूंगा, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि महाराजा की शख्सियत क्या थी और उनके उनको 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 क्या नहीं मिला। शायद आज उनकी मृत्यु के करीबन करीबन 61 साल हो चुके हैं, तो शायद उनकी आत्मा को, आज रूह को थोड़ी ठंडक मिली होगी, एक शांति मिली होगी कि जो जस्टिस उनके साथ डिनाई किया गया था, वो शायद उनको मिल गया है। तो दोस्तों, महाराजा हरि सिंह जो थे, उनका जन्म 1895 में जम्मू में हुआ, और वो उनके पिता राजा अमर सिंह थे, जो महाराजा प्रताप सिंह के छोटे भाई थे। अभी क्या हुआ, महाराजा प्रताप सिंह की यहाँ कोई संतान नहीं थी, और ब्रिटिश चाहते थे बहुत पुराने समय से, इवन जब 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने ये रियासत बनाई फाइनली जनरल जोरावर सिंह के साथ, सारा गिलगित, बाल्टिस्तान, तिब्बत, लद्दाख, ये सारे इलाके जोड़ के जब इस रियासत में बने, और कश्मीर की रियासत एंग्लो सिख वॉर के बाद, जब एज ए इंडेमनिटी पे करने के बाद हमारे पास जुड़ी, तो एक पूरी जम्मू कश्मीर रियासत बन गई, और ये रियासत 101 साल तक चलती रही। परंतु ब्रिटिश जो थे, वो उस दिन भी महाराजा को वो रियासत दे करके पछता रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश का, कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो इलाका था जो चलता है लेट्स से तिब्बत से, लद्दाख से, श्रीनगर से, करेक्शन कश्मीर से, गिलगित बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान गिलगित होता हुआ जाता है टुवर्ड्स ईरान, पर्शिया, तो ये एक किस्म का ट्रेड रूट था, ये एक सिल्क रूट था, और उस वक्त सिल्क रूट की बहुत ज्यादा अहमियत थी, इसलिए इस इलाके को महाराजा गुलाब सिंह ने जीता। परंतु लेटर ऐसा हुआ कि यहाँ की ज्योग्राफी इस किस्म की है कि एक पामीर नॉट है सेंट्रल एशिया के ऑलमोस्ट साउथ में आकर के, और वहां से एक तरफ कराकोरम रेंज निकलती है, हिमालयन रेंज निकलती है ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ आपकी हिंदूकुश माउंटेन्स जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ। तो ये एक किस्म की गेटवे बनती है इनटू सेंट्रल एशिया,
ये किस्म की गेटवे बनती है इनटू चाइना, एक किस्म की गेटवे बनती है इनटू तिब्बत, एक किस्म की गेटवे बनती है इनटू वेस्ट एशिया। तो जो आदमी इस इलाके को कंट्रोल करेगा उसके पास इस पूरे रीजन का कंट्रोल रहेगा। तो ये ब्रिटिश तब से ही चाहते थे, परंतु उन्होंने उनका उनकी ये बात जब गलती उनसे हो गई 1846 में, तब से वो ताक में रहे किसी तरीके से इसको वापस लाया जाए। तो उन्होंने एक शुरू की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यदि महाराजा का कोई पुत्र नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो जो स्टेट है वो ब्रिटिश वापस ले जाएंगे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया कि उन्होंने अपने भाई के बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये अंग्रेजों की ये चाल भी उल्टी पड़ गई। अब उनके पास अगली चॉइस क्या थी, उन्होंने क्या किया कि महाराजा हरि सिंह को बचपन से ही, जब ये शायद 6 साल के थे मेरे ख्याल में, तो किंग ऑफ इंग्लैंड इंडिया में आए, तो उनको एज ए पेज ऑफ ऑनर पेश किया, उनको ये बताने की कोशिश की कि भाई हम आपके साथ हैं, आपकी ग्रूमिंग हम करेंगे। तो पहला था पेज ऑफ ऑनर। उसके बाद जब वो 10 साल के हुए या 11 साल के थे तो उनको पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज भेज दिया गया। मेयो कॉलेज एक बहुत बड़ा, आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक माना हुआ स्कूल है राजस्थान के अंदर अजमेर के पास, जहां पे उस वक्त सिर्फ राजे महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे और उनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो सारी की सारी अंग्रेजी लेवल पे होती थी, इंग्लिश तौर तरीके सिखाए जाते थे। तो उनको ये था कि अगर ये अंग्रेजी तौर तरीके में बड़े हों तो कल को ये हमारी बात को ज्यादा मानेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे और इस पूरे क्षेत्र का जो कंट्रोल है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो अंग्रेजों के पास रहेगा। उसके बाद उन्होंने उनको लंदन भेजा हायर स्टडीज के लिए। तो इस तरह से उनकी सारी ग्रूमिंग चलती गई, वो पूरे देश विदेश में घूमते गए और फाइनली जब वो 20 साल के हुए तो उनको जम्मू कश्मीर के आर्म फोर्सेस का चीफ नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद 1822 में उनको एक एडवाइजरी काउंसिल थी जो महाराजा प्रताप सिंह की, उसका हेड बना दिया गया। तो उसमें हेड बनते ही उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। फिर 1825 में महाराजा की मृत्यु के उपरांत उनको उनकी ताजपोशी यानी कि उनको गद्दी मिल गई। और उस दिन गद्दी मिलते ही उन्होंने पहला क्या बोला, पहला जो उनका स्टेटमेंट ये था, उन्होंने बोला कि मेरी प्रजा जो है, मेरी रियासत के अंदर जो भी सिटीजन्स हैं उन सब का रिलीजन मेरा रिलीजन है और मेरा रिलीजन है जस्टिस, यानी कि न्याय मेरा रिलीजन है। अब जो आदमी पहले दिन से न्याय की बात कर रहा है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो अन्यायी है। उसके बाद उन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए, जैसे अनटचेबिलिटी गांधी जी ने अभी देश में बाद में शुरू की थी, हमारे स्टेट में पहले आ गई। उसके बाद चाइल्ड मैरिज को रोका गया, बेगार लेबर को रोका गया और उसके बाद कई और रिफॉर्म्स, जैसे लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल गई। इसी तरह से बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी ख्याति बढ़नी शुरू हो गई। और उसके बाद एक वो दुखद घटना हुई 1930 में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर 1930 में शुरू हुई और शायद 1932 तक चली। तो उसमें अंग्रेजों ने सोचा कि महाराजा को, हरि सिंह को फेवर करने के लिए हम इनको चेंबर ऑफ प्रिंसेस का चेयरमैन बना देते हैं, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था। तो जो भी वॉइस वहां आनी थी वो महाराजा हरि सिंह की थी। तो उन्होंने उठ के, अंग्रेजों ने सोचा कि क्योंकि इनकी परवरिश हमने की है, इनके तौर तरीके हमारे हैं, ये हमारे दोस्त हैं, यहाँ वो हमारे फेवर में बोलेंगे कि भाई अभी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, अभी हम तैयार नहीं हैं। परंतु महाराजा ने उल्टा बोला हम नेशनलिस्ट हैं। माइंड यू, वो प्रिंसली स्टेट के महाराजा थे, वो ब्रिटिश इंडिया के महाराजा नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने बोला कि हम इंडियन जो हैं, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हैं चाहे वो ब्रिटिश इंडियन हैं, हम नेशनलिस्ट हैं और हम अपनी आज़ादी के लिए तैयार हैं। जैसे दुनिया के सारे देश आजादी से जीते हैं, हम भी आजादी से जीना चाहते हैं। तो इस बात पे अंग्रेजों को बहुत धक्का लगा। तो सबसे पहले उन्होंने 1931 में, लंबा इंसिडेंट है उसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक इंजीनियर रॉइट्स इंजीनियर कराए श्रीनगर में, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, राइटर्स की मृत्यु हुई, ना कि इनोसेंट्स की मृत्यु हुई, जो बंदे गलत काम कर रहे थे उन्हीं की मृत्यु हुई, पूरा अकाउंट अवेलेबल है हमारे पास। तो वो वहां पे उन्होंने उस दिन मार्टियर डे बना दिया, यानी कि एक मूवमेंट खड़ी कर दी महाराजा के अगेंस्ट, जो विच वॉज लेड बाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और वो मूवमेंट चलती रही आगे। फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद, अभी ये बहुत कम लोगों को पता है कि महाराजा जी के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। एक जज करतार सिंह थे, जिन्होंने, जो एक बहुत अच्छे जज थे, काबिल जज थे, उन्होंने महाराजा को आगे बोला
कि मेरे पास जो अपराधी आते हैं मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आज रात को आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है, तो आप अपने बेडरूम में नहीं सोइएगा, अपना जगह चेंज कर लीजिए। उस दिन वो हमला हुआ, आदमी गिरफ्तार हुआ, परंतु उस चीज को ज्यादा बताया नहीं गया, परंतु जज करतार सिंह ऑन रिकॉर्ड है इसके ऊपर ये बात हुई है। तो इस तरह से महाराजा, फिर उसके बाद 1935 में उनके ऊपर प्रेशर डाला, गिलगित एजेंसी वापस दे दीजिए। गिलगित एजेंसी इसीलिए वापस ली गई ताकि उसका कंट्रोल उनके पास आए। फिर उन्होंने जस्ट बिफोर 47 गिलगित एजेंसी वापस की, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह वहां गए, तो वहां पे उन्होंने एक कैप्टन असलम शेर की वजह मदद लेकर के ब्रिगेडियर घनसारा को अरेस्ट करवाया और गिलगित एजेंसी हथिया ली, पाकिस्तान में डाल दी। तो इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी महाराजा के अगेंस्ट चलती रही टिल द लास्ट मोमेंट। फिर जब बात आई आजादी की, तो बोला जाता है कि महाराजा जी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, उन्होंने डिले किया। ऐसा कुछ नहीं था। महाराजा जून के महीने में माउंटबेटन महाराजा साहब के पास श्रीनगर आए और उनको बताना चाहते थे कि आप पाकिस्तान ज्वाइन करिए, क्योंकि ब्रिटिश मंशा वही थी, क्योंकि उनको डर था कि जो इंडियन लीडरशिप है वो जो सोवियत लीडरशिप स्टालिन के बहुत फेवर में है, और स्टालिन जो सोवियत यूनियन उस वक्त की थी, बल्कि आज भी अगर हम रशिया को देखें तो उनके पास वार्म वाटर पोर्ट कोई नहीं है, तो रशिया चाहता था कि वार्म वाटर पोर्ट कराची मिले। वो तभी संभव था कि अगर जो इंडियन लीडरशिप है उनके साथ कोऑपरेट करे, जो वो कर रही थी। तो ब्रिटिश को ये लगा कि अगर इंडियन लीडरशिप रशिया के साथ मिल गई, अगर उनको आपस में पैसेज मिल गया, तो वो तो कराची पोर्ट पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद अगर हमारा तीसरा महायुद्ध होता है तो रशिया के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, तो हम कैसे लड़ेंगे। और जो जितनी भी पर्शिया और मिडिल ईस्ट में ऑयल के कुएं थे वो सब ब्रिटिश कब्जे में थे, ब्रिटिश मलकियत थे, तो उनको हम कैसे बताएंगे। ये सब बातें पता चलती हैं, एक टॉप सीक्रेट लेटर है जो चर्चिल ने लिखी थी मई 1945 में, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो अभी है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, आर्काइव में मिल गया है, हमने पढ़ लिया है। वो पूरी उनकी पूरी मंशा बताती है कि किस तरीके से उनको ये वाले रीजन का कंट्रोल चाहिए था। तो उन्होंने चुपके से आगे जिन्ना साहब को बोला कि देखिए हम आपको मुसलमान राज्य देंगे, आप अपनी जो डिमांड है उसे हटना मत। तो इस तरीके से उन्होंने, जब माउंटबेटन साहब आए तो महाराजा को पता था कि इन्होंने क्या बोलना है, तो पहले दिन तो उन्होंने नॉर्मल उनका स्वागत किया, बाद में बोला, उन्होंने बोला हम मीटिंग करेंगे, महाराजा साहब ने बोला कि आप श्रीनगर में आए हैं जून के महीने में, इतनी गर्मी से आप घूमिए श्रीनगर में, गार्डन वार्डन में जाइए, डल लेक में घूमिए, बात तो हम कर ही लेंगे। परंतु फिर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, ये बोल के उनका पेट खराब हो गया। तो माउंटबेटन जो थे वो वापस गए बिना किसी इंश्योरेंस के। तो जाते ही उन्होंने क्या किया, उनके एडवाइजर कौन थे, लॉर्ड इस्मे, उनके नीचे कमांडर इन चीफ दोनों आर्मीज के ऑकरलिक, इंडिया की तरफ से लॉकहार्ट, पाकिस्तान की तरफ से मैसरवी, जम्मू कश्मीर के बीच में जो आर्मी चीफ जनरल स्कॉट, पुलिस चीफ सर पावल, उसके बाद ये सारे के सारे पुलिस आर्मी पाकिस्तान इंडिया सब थे। उन्होंने उनको बोला प्लान बनाइए, यदि महाराजा मना करते हैं तो हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग बनाया जो 19 अगस्त को साइन हुआ, 15 अगस्त को हमें आजादी मिली, 19 अगस्त को साइन हुआ, और 20 अगस्त को ये बनू ब्रिगेड के कमांडर थे ब्रिगेडियर मरे, उनको भेजा गया। परंतु ये ऑपरेशन प्लान उस वक्त मिल गया उनके ब्रिगेड मेजर थे मेजर कॉलकट, जो इंडिया वापस आ रहे थे। तो ये दूसरी कहानी है वहां क्या हुआ, परंतु कहने का मतलब यह कि जो 22 तारीख को हमला हुआ वो अंग्रेजों ने ही कराया महाराजा के अगेंस्ट। तो ये महाराजा की मजबूरियां थी उस वक्त, तो वो क्या करते। तो इस किस्म की जो ब्रिटिश चालें थी वो महाराजा को ले डूबी, और अल्टीमेटली फिर नेहरू और अब्दुल्ला ने मिलकर जो षड्यंत्र मचाया, उनको एग्जाइल दे दिया गया। और यहाँ एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं मैं, ये करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह जो उनके बेटे हैं महाराजा हरि सिंह के, उनकी किताब में भी उल्लेख है, और एक और किताब में उल्लेख है कि नेहरू जी ने उनको लंच पे बुलाया पूरी फैमिली को, और शायद ये 19 जून की बात है 1949 की। तो लंच में कहते हैं कोई बात नहीं हुई, सब नॉर्मल था। तो वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को, उनके बेटे को और उनकी पत्नी को बोला कि आज का डिनर आप मेरे घर में करेंगे। उस डिनर के बाद में महाराजा हरि सिंह ने, सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह को बोला कि देखिए आपको अभी जम्मू कश्मीर वापस नहीं जाना है, यानी कि आप अपनी स्टेट में वापस ही जाएंगे, यू आर हियरबाय एग्जाइल्ड। तो महाराजा हरि सिंह ने पूछा, पटेल साहब हैदराबाद के निजाम के को लेने के लिए आपको मिलिट्री एक्शन करनी पड़ी, आपने यानी कि लड़के उसको झुका के लिया और उसको राजप्रमुख बना दिया,
और मैं विलिंगली अपनी स्टेट आपको दे रहा हूँ और आप मुझे देश निकालना दे रहे हैं। तो इस पर सरदार पटेल ने बोला, महाराजा साहब कभी कभी आप देशभक्त होने के लिए आपको देश के लिए कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं, तो आप इस वक्त देश के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। तो ये महाराजा साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी थी। उसके बाद वो 1961 तक, 26 अप्रैल 1961 तक जिंदा रहे, जिस दिन तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, और उन्होंने एक बार भी जम्मू कश्मीर की तरफ मुड़ के नहीं देखा, या एक बार भी नेहरू या अब्दुल्ला के अगेंस्ट नहीं बोला, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं बोला, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे। अब मैं उनकी 2-4 इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ कि महाराजा की जो रियासत थी उसमें उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या थी। एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं कि ये जम्मू और कश्मीर में विंटर्स और समर्स में दरबार मूव होता था। तो एक बार दरबार मूव हो रहा था जम्मू से कश्मीर के जाने के लिए, और उनके एडीसी महाराजा के, और पूरा काफिला महाराजा का चल रहा था, तो उनके एडीसी थे कैप्टन दीवान सिंह, तो वो उनके साथ थे। तो उसी वक्त क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ पे बहुत सारे गुजर लोग हैं, गुजर बकरवाल हैं, जो अपना पूरे माल मवेशी लेकर के जम्मू से कश्मीर जाते हैं समर्स में और विंटर्स में वापस आते हैं। तो एक जगह रामबन बनाल के पास कहते हैं कोई जगह थी, रोड संकरी थी, तो काफिला जा रहा था, तो एक कोई ऐसा ही बकरवाल का कोई आ गया काफिला, तो उसमें भेड़ बकरियां थी, भैंसे थी, जो भी जानवर थे, तो वो बेचारा ट्राई तो कर रहा था कि काफले को जगह दे दे, पर वो जानवर अब जानवर नहीं मान रहा। तो जिनके एडीसी ने, जो कैप्टन दीवान सिंह, उनको गुस्सा आ गया, वो बाहर निकले, उनको बोला यार तू जल्दी इसको क्लियर कर। अब उस बकरवाल को नहीं पता था कि ये कौन है, या काफिला किसका है, महाराजा का है, या ये उनके एडीसी बोल रहे हैं कौन है। तो उन्होंने बोला गुस्से सर मैं हटा रहा हूं, तो उन्होंने गुस्से से बोला जल्दी हटाओ, जल्दी नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो बकरवाल ने पता क्या जवाब दिया, ओए तुम कौन होते हो हमें गोली मारने वाले, खैर उन्होंने अपनी बकरे वाली भाषा में बोला, तुम कौन होते हो हमें गोली मारने वाले, ये महाराजा हरि सिंह का शासन है, यहाँ हमें कोई गोली नहीं मार सकता। अब इस बात से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा हरि सिंह एक टायरेंट था, वो जनता के खिलाफ था, मुसलमानों के खिलाफ था, बिल्कुल नहीं। दूसरा इंसिडेंट मैं बताता हूँ। अब महाराजा है, महाराजा के पैलेस के बगल में कोई जमीन है, वो किसी दूसरे की जमीन है, अगर वो आज की डेट में लैंड एक्विजिशन एक्ट है, गवर्नमेंट को एक्वायर करना चाहती है, मुआवजा देकर ले लेती है। तो इसी तरह से उन्होंने किसी काम के लिए एक करण नगर में कोई जगह थी, जो हमारे बड़े काफी बुजुर्ग हैं रामनाथ शास्त्री कहते हैं उनको, बड़े विद्वान थे, उनकी जगह थी। तो महाराजा की तरफ से हुक्म हो गया कि भाई ये जगह अभी एक्वायर कर ली जाएगी पैलेस के लिए और कार्रवाई उसकी पूरी होगी, परंतु रामनाथ शास्त्री जो थे उन्होंने वो जगह देने से इनकार कर दिया। देखिए किसकी प्रजा राजा को इनकार कर सकती है। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनकी पेशी हुई राजा के पास, तो महाराज साहब ने बोला कि देखिए आप ऐसा करिए, आप कोर्ट में जाइए, यदि कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देगा तो मुझे मंजूर है। और वही हुआ, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया महाराजा के अगेंस्ट, और पंडित रामनाथ शास्त्री की जमीन बची, आज भी क्वाइट नहीं है। और फिर हमारे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस ठाकुर, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि महाराज साहब ने बोला तो हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया महाराजा के अगेंस्ट, तो महाराज साहब ने बोला कि अब ये अगेंस्ट डिसीजन मेरे अगेंस्ट है, और मैं कोई ल्यूमिनरी नहीं हूं लॉ का, मुझे कोई लॉ का विशेष ज्ञान नहीं है, तो मेरी कोर्ट में फिर मैं सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता हूं। तो ये हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर थी जहां पे एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट, अलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, वहां के जो विशेष न्यायाधीश थे वो इस बोर्ड में थे, और जो महाराज का हुक्म था कि जो फैसला वो देंगे चाहे वो महाराजा के अगेंस्ट ही क्यों ना हो वो माना जाएगा। तो आप मुझे बताइए ये आदमी न्यायप्रिय था महाराजा के नहीं, आप ही बताइए। तीसरा इंसिडेंट बताता हूं मैं। वो कहते हैं कि वो किसी महाराजा पटियाला या किसी स्टेट में गए एज ए गेस्ट, तो वहां कोई नाच गाना नृत्य हो रहा था अपना मुजरा वुजरा, तो उन्होंने बड़ा कोई अच्छा डांस कर रही थी, पूछा ये कौन है, बोला ये लड़की नूरपुर की है, उन दोनों शायद नूरपुर जम्मू कश्मीर का हिस्सा था या डोगरा बेल्ट थी। तो महाराजा गुस्से में उठ के आ गए, बोले मेरी प्रजा में कोई भी है तो वे मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, तो मैं अपनी माँ बहन बेटी को ऐसे इसी जगह पे डांस करता हुआ नहीं देख सकता, ये अगर करवा रहे हो तो गलत है। इसी तरह से एक इंसिडेंट और भी बताते हैं कि वो कोई गुजर लेडी थी, सड़क पे जा रही थी, और ये भी सड़क पे अपने किसी दोस्त के साथ अपनी मोटर में जा रहे थे, वो दोस्त को इनके दिल्ली से आ रखे थे, उन्होंने कोई कमेंट पास कर दिया उस लेडी के ऊपर, तो इन्होंने इमीडिएटली ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, और उस दोस्त को बोला आप उतरिए गाड़ी से पैदल आइए,
मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिसको छेड़ रहे हो, जिसके बारे में आप शब्द बोल रहे हो, वो मेरी प्रजा है और मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस किस्म के अब मैं कई इंसिडेंट आपको बताऊं, सारा रात बीत जाएगी, मुझे लगेगा आप शायद उसको इतना देर सुनना पसंद भी नहीं करोगे। तो आप भी बताइए कि वो एक टायरेनिकल राजा था और जो कुछ उनके साथ हुआ उनकी कुर्बानी के नाम पे, वाज इट जस्टिफाइड? अगर वो जस्टिफाइड नहीं था तो आज जो हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाए थे मैंने ऑनलाइन, प्लस कुछ स्पीचेस दी थी, कुछ जाके धरने पे मैं तो खैर नहीं बैठा, लोग बैठे थे। तो इस किस्म की जो करके अगर हमारी छुट्टी मिल गई है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए एक जीत है। परंतु अब जीत को हमने स्क्वांडर वे नहीं करना है, ये नहीं है कि आज कल हमने ऑफिस नहीं जाना है, घर में बैठ के पिक्चर देखनी है, नो, हमने आज उस महाराजा को याद करना है, उसकी जीवनी के बारे में पढ़ना है, बहुत किताबें हैं हमारे पास। ये देखिए कश्मीर फॉल्स नैरेटिव किताब है, ये करण रैना की लिखी हुई है जो महाराजा के बारे में बहुत कुछ सही बताते हैं। ये दूसरी किताब देखिए, ये जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल की लिखी हुई है, वैलर एंड बिट्रेयल, बेसिकली ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जो कुर्बानियां थी महाराजा हरि सिंह के साथ उनके बारे में। ये किताबें आप पढ़िए, आप उनको बाजार से लीजिए, अगर नहीं पता चलता तो मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा ये किताबें कहाँ अवेलेबल है। जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल के पास आके मिलिए, उनको पूछिए सर क्या है, और सच आपको आएगा। और महाराजा को याद करिए, उनकी जो अच्छाइयां थी उनको इम्बाइब करिए, अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करिए और अपने अंदर उस डोगरा प्राइड को बढ़ाइए कि आपकी विरासत जो है वो इतनी रिच है, आपकी जो हेरिटेज है वो इतनी रिच है, इतने इतने आपके पास जनरल्स हुए हैं, जनरल जोरावर, जनरल बाज सिंह, जनरल भूप सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, कैप्टन पृथ्वी सिंह, कैप्टन ज्वाला सिंह, कैप्टन खजान सिंह, सूबेदार दूनी चंद, सिपाही नरसिंह देव जम्वाल, मैं किस किस के नाम लूं जो आपको बिल्कुल मालूम नहीं है, ये आपके डोगरा हीरो है और ये सब हमारे महाराजा के साथ है। और ये जो किताबें मैं आपको दो दिखा रहा हूँ, ये एक जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल और कर्नल अजय रैना की, ये मैं किताबें प्रमोट करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इनको पढ़ेंगे आपको सच पता चलेगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से आपके ऊपर झूठ थोपा गया है, ठीक है। तो कृपया करिए इस छुट्टी का फायदा उठाइए, मैंने सुना कल बहुत फंक्शन है, मैं भी कोई 5-4-5 में मैं भी इन्वाइटेड हूँ, तो वहां जाकर के इस महान व्यक्ति को याद कीजिए और इनकी जो विरासत है, इनकी जो धरोहर है, उसको परपेचुएट करिए और डोगराओं को एक लंबा सम्मान दीजिए। हम डोगरे हैं, बहुत प्राउड डोगरे हैं और साथ में हम नेशनलिस्ट हैं, प्राउड इंडियंस हैं। तो आई एम अ प्राउड इंडियन, प्राउड डोगरा, प्राउड वन स्टार जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय डोगर, जय डोगरा, जय हिंद की सेना। धन्यवाद।